ভালো লাগে। पंजा में पूरा चिपक गया है। और ये हम लोग अभी मेड़ बना रहे हैं, तो अपन दिखा रहे थे क्या दूसरे साइड का भी मेड़ तैयार हो गया है। ये देखिए दो दो गीला हो चुका है, देखिए इस तरह से हो गया है। ये देखिए ये मतलब बन जा रहा है। अगर ये गीला नहीं रहता तो और अच्छा मतलब होता, अच्छे से बनता। तो धान का बीज निकल रहा है, ये है धान का बीज, ये धान अपन डालेंगे इसमें। ये पार्वती निकाल रही है, गिरी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक ब्लॉग में। तो देखिए हम लोग अभी खेत तरफ आए हैं और खेत में काम चल रहा है इस समय। खेत में जानते होंगे आप लोग जुताई बुआई चल रहा है। तो हम लोग यहाँ खेत में बीज डालने आए हैं, धान का बीज डालने। तो देखिए ये धान का बीज निकल गया, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए इधर खेत है हमारा और ये खेत जुत गया है, ट्रैक्टर में जुताया गया है। और ये देखिए इधर पार्वती जी हैं और ये है धान का बीज। तो हम लोग देखिए दोस्तों कौन सा सीड्स लगवा रहे हैं। ये है आपका किरण गोल्ड, आपको दिख रहा होगा हाथ के वजह से नहीं, देखिए किरण गोल्ड। तो ये रिसर्च धान है और ये धान का मतलब हम लोग इसमें बीज डालेंगे। पहले बीज डालेंगे, फिर उस बड़ा हो जाएगा जब, तब उसमें मतलब रोपाई के लिए हो जाएगा, तब फिर हम लोग पानी वानी जब हो जाएगा नहीं पतला। तो अभी मतलब बात हो रहा है यहाँ पे पूछ जाए मतलब हो जाएगा कि नहीं होगा इतनी धान में। तो देखिए यहाँ पे काट रहे हैं और ये एक किलो का पैकेट है, मतलब एक पैकेट है दोस्तों, क्या बोलते हैं 3 किलो का ना। दिखाओ धान दिखाओ। तो ये देखिए दोस्तों ये है खाने के लिए बीज है, ये पतला बीज है किरण गोल्ड अपने इधर गांव साइड का। तो देखिए ये वाला धान अपन बीज डालेंगे और इसमें बहुत सारा है, एक ही पैकेट नहीं है इसमें मतलब। देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग मेड़ बना रहे हैं, इसके अंदर बीज डालेंगे। मेड़ आपको दिख रहा होगा, ये हल्का हल्का खेत में, ज़्यादा बड़ा नहीं। और ये ऐसे बन रहा है मेड़, देखिए ठीक है। बारिश हो गया है तो गीला हो गया है और लेट भी होते जा रहा है बीज डालने के लिए, इसलिए दोस्तों बारिश भी हुआ है तो क्या करो, ये तो डालना ही पड़ेगा बीज को। और ये देखिए मेड़ हम लोग बना रहे हैं, इसके अंदर और बीज डालेंगे धान का। तो चलिए दोस्तों फटाफट बना लेते हैं हम लोग मेड़, उसके बाद आपको आगे का दिखाता हूँ। बने रहिए तब तक हमारे ब्लॉग में दोस्तों, और अगर हमारे चैनल में नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी है। पार बोलते हैं और आपके इसको बोलते हैं पंजा, हम लोग पंजा। ये बोट वाला पंजा नहीं, तो पंजा छाप ये नहीं, पंजा ये
ये पंजा, इससे धान की जाएंगे और मेड़ भी बना रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ज्यादा माटी झेला हाँ, हाँ थोड़ी थोड़ी वो करिए ना पार बस तो बनावा का तो देखिए दोस्त किसान, तो हम लोग यही करते हैं और खेती बाड़ी के समय में खेती बाड़ी ही करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ब्लॉग में बने रहिए, आगे भी आओ कुछ देखने के लिए। और यहाँ पार्वती काम कर रही है दोस्तों, देखिए थक गई है पूरी। और ये मिट्टी जो है इतना मतलब चिपक रहा है, जो अपन पंजा लाए हैं उस पर देखिए कितना पूरा चिपक गया है। वजन लग रहा है नहीं है? बहुत वजन। क्या हुआ दोस्तों, बारिश हो गया हल्की फुल्की हल्की फुल्की, इसलिए नहीं तो सूखा रहता तो उतना मतलब मेहनत नहीं जाता। देखिए उसमें पंजा में पूरा चिपक गया है। और ये हम लोग अभी मेड़ बना रहे हैं, तो अपन दिखा रहे थे या दूसरे साइड का भी मेड़ तैयार हो गया है। ये देखिए दो दो दिख रहा है, वो मेड़ है। तो ये वाली मेड़ ऐसे जाएगी, फिर ये वाली, तो इसके अंदर अपन बीज डालेंगे धान का। देखिए कितना मिट्टी मतलब चिपक जा रहा है, तो पैर से निकाल रही है पार्वती। और ये, और आज बाबू लोगों को नहीं लाए हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग काम नहीं करने देते और फिर खेत भी चिपक रहा है मिट्टी मतलब खेत का, तो इसलिए बाबू को माँ देख रही है, मतलब इनकी सासू माँ और मेरी माँ। तो और हम लोग इधर काम करने आए हैं, अभी लेट भी हो रहा था दोस्तों, क्योंकि बीज डालना बहुत ज़रूरी हो गया था, नहीं तो फिर बीज हो नहीं पाएगा। तो देखिए अभी खेती का नज़ारा, एक देखिए वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, लोग धान बो रहे हैं। अभी चारों तरफ देखिए इधर खेती का बहुत सारा खेत जो है बुआ गया है सूखा में ही, और बहुत सारा नहीं बुआया है, तो जिसका मतलब रोपा है धान, बीज डाल रहा है, धान रोपाई करेगा तो उसका अभी नहीं बोया है दोस्तों वो। और हम लोग भी
धान का बीज डालेंगे, फिर जब पानी लग जाएगा तो फिर इसमें मलई मथवाएंगे, तब जाके फिर लगेगा ये। आपको सारा वीडियो मिलेगा दोस्तों, कैसे खेती किया जाता है, कैसे बीज डाला जाता है, कैसे रोपाई किया जाता है, कैसे खेत जुताया जाता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। देसी ओम ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, गांव से रिलेटेड सभी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब भी हमारा वीडियो हो, हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको ही मिलेगा नोटिफिकेशन, तो इसलिए आप बेल घंटी भी दबाइएगा। ये देखिए इसका मुंह कैसे हो गया है काम करते करते। ना जी क्यों है? मेहनत लग रहा है ना? कितना मेहनत लग रहा है? ये मेहनत नहीं लगता दोस्तों, क्या इसमें पूरा मतलब ये भीग गया है। और वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो आपको पूरी जानकारी देंगे आज की। हम लोग खेत में आए हैं तो कैसे बीज डालते हैं, तो पूरे बने रहिए। मैं धान भी बो के दिखाऊंगा आपको कैसे बोते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों दूसरा पैकेट, एक पैकेट तो बो दिए। ये देखिए बीज दिख रहा होगा आपको, ये देखिए धान का बीज दिख रहा है ना, ये तो ये दूसरा पैकेट है। ऐसा मतलब चार पैक, दो पैकेट, ए तीन पैकेट और बचा है, नहीं पांच पैकेट है। तो ये है दोस्तों रिसर्च धान, अपना हाइब्रिड नहीं है ये। तो ये देखिए दोस्तों लास्ट बचा है, मतलब पांच पैकेट था, ये लास्ट पैकेट है। और ये देखिए आपको दिखाते हैं हम ये धान का बीज, पहले भी देख चुके हो ना, उसे कहाँ खड़े। और ये देखिए पार्वती है यहाँ पे, और ये डाल रही है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये मिलाई जा रही है जो हम लोग बीज डाले हैं उसको। और ये पार्वती मिला रही है देखिए पंजा की सहायता से। और दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को कि मिट्टी जो है वो गीला हो चुका है, जो बारिश हुआ है हल्का फुल्का, ये जो तो मिट्टी जो गीला हो चुका है, देखिए इस तरह से हो गया है ये। देखिए ये मतलब बंध जा रहा है, अगर ये गीला नहीं रहता तो और अच्छा मतलब होता, अच्छे से बनता, लेकिन ये गीला थक गई है एकदम से, और मैं भी थक गया हूँ। देखिए बनियान में आ गया मैं, और हम लोग अभी धान मिला रहे हैं, अच्छे से मिलाएंगे पहले, जाएंगे फिर घर। बाबू भी घर में रो रहा होगा दोस्तों, क्योंकि अकेला है, और मम्मी है मेरी, अम्मा मैं बोलता हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। तो अम्मा है तो अम्मा काम में लगी होगी, और फिर बाबू खेल रहा होगा या फिर रो रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा है। हम लोग कॉल भी नहीं किए हैं, और हम लोग खेत में आए हैं तो काम में लगे हुए हैं, और बहुत समय से लगे हुए हैं दोस्तों, अभी भी मतलब नहीं हो पाया है। देखिए अभी भी पार्वती लगी हुई है, जल्दी जल्दी में
और इसको कर लेंगे तो हम लोग फिर आराम करेंगे दोस्तों। तो चलिए जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं अपना काम। तो ठीक है दोस्तों, निपटा के फिर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, सब कुछ मिला लिए हम लोग, मतलब हमारा बीज डल गया और मतलब थरहा देवर गया, जो थरहा बोलते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, आप लोग देख सकते होंगे, दे पा रहे होंगे। ये देखिए आपको इधर से दिखा देता हूँ, देखिए ये जो है ये ज़मीन पूरा बराबर दिख रहा है। हम लोग के पैर का भी निशान दिख रहा है, देखिए पैर का निशान, पूरा पैर का निशान दिख रहा है देखिए। और पार्वती अभी मिला रही है, थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। और मेरे फावड़े का हाल देखिए क्या हुआ, जो पंजा बोलते हैं इसका इधर पूरा ये निकल गया है। दोस्तों पार्वती देखिए क्या कर रही है यहाँ पे, ये देखिए ये जामुन छाता में ले रही है, क्योंकि यहाँ पे बनता नहीं है, मतलब चढ़ते नहीं बनता है मेरे से, तो मैं डंडा मारता हूँ ऊपर को जामुन को, और ये ले रही है यहाँ पे, ले ले वाई बेरा। भाग देखिए दोस्तों, हम लोग अब चल रहे हैं घर तरफ, अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया है, अब चलते हैं हम लोग घर तरफ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, और हम लोग चलते हैं घर। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।